जेरेनियम एक सुगंध वाला पौधा है जिससे सुगंधित तेल प्राप्त होता है। गुलाब की तरह खास सुगंध के चलते इसकी भारी डिमांड है, खास तौर पर परफ्यूम इंडस्ट्री में और खुशबूदार साबुन इंडस्ट्री में। इसकी तेज मांग के कारण ही इसकी बहुत ऊंची कीमत मिल जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दूसरे देशों से भारत में 20 टन जेरेनियम तेल आयात किया जाता है, जबकि देश में इसका मात्र 2 टन ही उत्पादन होता है। अगर किसान इसकी खेती करें तो जाहिर है काफी फायदे में रहेंगे। ये परफ्यूम बनाने के काम में आता है। अन्य फसलों की अपेक्षा जो जैसे गेहूं है और बाकी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उससे 2 से 3 गुना इससे मुनाफा हो जाता है। जेरेनियम के तेल का इस्तेमाल एरोमाथेरेपी, सौंदर्य प्रसाधन, मेडिसिनल में होता है। जेरेनियम पौधे से निकलने वाले तेल काफी कीमती होते हैं। भारत में इसकी औसत कीमत करीब 20,000 रुपए प्रति लीटर है। 4 महीने के इस फसल से प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा किसानों को हो जाता है। लागत इसमें लगभग 25 से 30,000 रुपए, अपनी किसान बहुत बचाता है तो 25 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ में इसकी खेती हो जाती है और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का तेल निकल आता है इससे। दरअसल जेरेनियम की खेती में सबसे महंगा होता है इसके पौधे को तैयार करना। इसके पौधे कटिंग के जरिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी नर्सरी पौध खराब हो जाती है, जिसके कारण किसानों को दोबारा पौध खरीदना या तैयार करना पड़ता है, जिससे किसानों का इसकी खेती पर लागत खर्च और बढ़ जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सीमैप के कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे कि बारिश के मौसम में भी इसके पौधे सुरक्षित रह सके और किसानों को जेरेनियम की खेती पर कम खर्च करना पड़े। जेरेनियम की खेती के बारे में मैं 2016 में सीमैप पंतनगर मेला में मिल गया था, तो वहाँ डॉक्टर सौदान सिंह ने अपने लेक्चर दिए थे, तो वहाँ से उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद वो हमारे फील्ड पे विजिट की, उसके बाद से जेरेनियम 2017 में उन्होंने हमारे फील्ड पे ट्रायल लगवाया था और तब से मैं कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, इससे आराम से खेत में जो टेक्निक पौधे बचाने की विकसित की है वो बहुत अच्छी है, उससे हम आराम से पौधे बचा ले रहे हैं। दरअसल बरसात में जेरेनियम के जो पौधे बच जाते हैं उनसे अक्टूबर महीने में नर्सरी तैयार की जाती है, फिर जब पौध तैयार हो जाती है तो नवंबर से लेकर फरवरी तक के महीने में कभी भी रोपाई कर दी जाती है। अगर किसान 1 एकड़ में जेरेनियम की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए उसे नर्सरी में 20 से 22,000 पौधे तैयार करके लगाने होंगे। बस ध्यान ये रखें कि मदर प्लांट से निकाली गई कटिंग को 30 या 45 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाएं। अक्टूबर फर्स्ट वीक से इसकी कटिंग बनाना स्टार्ट किया जाता है और खेत में रोपाई की जाती है। उस जो सबसे पहले अक्टूबर में रोपाई किए जाते हैं उनसे 15 फरवरी तक एक एक पौधे से लगभग 10 से 15 कटिंग मिल जाती हैं, उससे क्षेत्र विस्तार किया जा सकता है। परंपरागत खेती में कम पानी और जंगली जानवरों से परेशान किसानों के लिए जेरेनियम की खेती राहत देने वाली साबित हो सकती है, जिससे उन्हें परंपरागत फसलों के मुकाबले 2 गुना लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।